टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा हुए कोरोना पॉजिटिव, बदल गई भारतीय टीम की प्लेइंग 11। अब ये खिलाड़ी करेगा ओपन, जानेंगे पूरी खबर, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है, जहाँ पर एक टेस्ट मैच के अलावा 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। भारतीय टीम पहले ही इंग्लैंड पहुंच चुकी थी, जहां पर लेजेस्टर शायर के खिलाफ अभ्यास मुकाबला खेला जा रहा है। 1 जुलाई से टेस्ट मुकाबला शुरू होगा। इसी बीच भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर आ रही है। दरअसल भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अब वो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट मुकाबले में नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। ये पहला मौका है जब जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। रोहित शर्मा की जगह टीम में श्रीकर भरत को लिया जा सकता है। श्रीकर भरत अभ्यास मुकाबले में काफी अच्छे नजर आ रहे थे। श्रीकर भरत और शुभमन गिल की जोड़ी ओपन करती हुई नजर आएगी। अगर हम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 को देखें, तो श्रीकर भरत, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को मौका दिया जा सकता है। आपके हिसाब से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।